हाय मेरी YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम। दोस्तों, हम सब 2 लाख तक पहुंचने वाले हैं और अगर आप लोगों का साथ रहा ऐसे ही तो हम 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे सब्सक्राइबर। तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में यार मैंने दिया तुमको फेक चार्जिंग। तो फेक चार्जिंग का ये वीडियो है, काफ़ी अच्छा है। और कैसे निकाली एक फेक चार्जिंग, ये है Redmi Y2 S2 जिसका मॉडल हम बोल सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मली कॉम्पोनेंट निकालने से या सॉल्डिंग निकालने से या रोजिन डालने से नहीं निकली है, बहुत इंटरनली लाइनों को चेक करने से और कैसे निकल सकती है, और बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों एक फेक चार्जिंग सॉल्व करने के। बहुत अलग अलग वे होते हैं एक फेक चार्जिंग, बहुत कारणों के कारण आ सकता है और डीपली लेवल पे, क्योंकि ये सेट फिर बना नहीं पाते हैं। फेक चार्जिंग की बात करें, ऑटो चार्जिंग की बात करें, या फिर हम बात करें या नो चार्ज, डायरेक्ट चार्ज, रिवर्स चार्ज, बहुत सारे फॉल्ट आते हैं चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग एरर की बात करें, लो बैटरी एरर की बात करें, और जो टेम्परेचर है और वो सब तो अलग करो। तो ये सारी जो चार्जिंग से रिलेटेड मसले हैं, ये अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है और बहुत डीपली में और प्रैक्टिकल लेवल पे नॉलेज लेना है तो इस टेलीकॉम ज्वाइन करो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको और एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको देखना है कि अभी हमारे करंट बैच के स्टूडेंट ने कितने लोगों ने CPU बनाया, कितने लोगों ने पावर IC बनाया, हालांकि सबके वीडियो अभी तक हमने डाले नहीं, बना हम सबके चुके हैं पर हम डालने वाले हैं। तो आप हमारे फेसबुक में जाइए, फेसबुक में लिखिए एशिया टेलीकॉम, आपको हमारा मेन पेज मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। और उस पेज में जाके आप हमारे सारे स्टूडेंट के रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, क्लास का आउटपुट देख सकते हैं जो हम डालते हैं, उसके अलावा अदर सोल्यूशन जो बहुत सारे सोल्यूशन हमने यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो फ़ायदा आपका ही होगा अगर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाह रहे हैं या मन में सोच रहे हैं कि देखें यार कैसा है इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जाके हमारी लैब और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका। उसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल देवतन अग्रवाल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो जो आजकल फेसबुक में चलता है ना रील करके टिकटॉक, तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, और हमारे अभी के बैठे हर स्टूडेंट अब एक चालू हैंडसेट के पावर, MMC और CPU तीनों निकाल के लगा चुका है और तकरीबन 10-10-20 बार रिवॉल्विंग कर चुके हैं ये CPU और पावर MMC के, और हर स्टूडेंट को ट्रेसिंग कराई जाती है। हर स्टूडेंट को यहाँ पर DSO के साथ में, जिसको हम डिजिटल ऑसिलोस्कोप स्टोरेज बोलते हैं, उसके साथ एक एंडलेस सॉल्यूशन दिया जाता है, जो कि आपने देखा होगा रिंगर सेक्शन जैसे कि, और भी बहुत डिस्प्ले सेक्शन में किस तरह से DSO वर्क करता है, रिंगर सेक्शन में वर्क करता है, नेटवर्क सेक्शन, हर एक सेक्शन के बारे में मैं यहाँ पे एंडलेस सॉल्यूशन देता हूँ कि फाइनली अगर हमारे को वोल्टेज और GR मिले तो उसके बाद भी हमारे को कैसे काम करे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पूरा नॉलेज लेना, परफेक्ट बनना है और एक साल का एक अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए इस टेलीकॉम से, एक साल का बेहतरीन बैकअप चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए और अगस्त बैच की अपनी सीट की बुक कराइए। दोस्तों, हम अपने स्टूडेंट से उनके केस स्टडी के लिए मोबाइल भी लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे मोबाइल। ये देखिए, यहाँ पर ये जो मोबाइल्स हैं ये सारे हमारे स्टूडेंट के मोबाइल हैं। ये देखिए, और जैसे कि ये आप यहाँ पे देखेंगे ये डेड कंडीशन, ये आप यहाँ से देखेंगे डेड कंडीशन। तो ये सारे जो हैं सॉर्टिंग, हाफ सॉर्टिंग और डेड जो हमारे स्टूडेंट लेकर आए हैं, और उसके अलावा जो हम उनसे सेक्शन वाइज फॉल्ट बुलवाते हैं, ये सारे डिस्प्ले के इसमें हैं, इसमें चार्जिंग के हैं, इसमें रिंगर के हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारे डिस्प्ले सेक्शन हो गया है, हमने वो बना के उनको दे दिए हैं, मतलब उन्हीं से खुद बनवाए हैं। और यही प्रैक्टिकल वीडियो आप देखते होंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर टीचर बैठ के नहीं कर रहा है, और टीचर बैठ के अगर मोबाइल बनाएगा तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा। तो कोशिश ये है कि स्टूडेंट से चेक करवाते हैं, कोशिश यही है कि स्टूडेंट से खुद IC, क्योंकि जब स्टूडेंट हमारे यहाँ पहले दूसरे दिन ही IC लगा लेता है तो फिर स्टूडेंट को हम क्यों यहाँ पर वापस फिर वही चीज़ प्रैक्टिकल के टाइम पे बोलें कि भाई देखो ये IC ऐसे लगती है, वो IC वो खुद लगा लेगा, माइक्रो जंपरिंग से लेकर हर काम वो खुद कर लेता है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा दूसरे की, तो बिल्कुल नहीं बातें करूँगा, क्योंकि यहाँ ये सब मेरा चैनल है तो सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा, क्योंकि मुझे जब दूसरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्यों अपना बेमतलब मैं मुँह ख़राब करूँ या
बात क्यों करूं जब ऑलरेडी मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने बेस्ट हैं, हम कितना ऊपर दिखा सकते हैं, तो सब हमारे चैनल पर डाला हुआ है। और इसके अलावा भी आपको देखना है तो आप हमारे मेरे दूसरे चैनल देवतन अग्रवाल पर जा सकते हैं, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के आपको बहुत सारे वीडियो देखना है तो दुर्गेश सर के चैनल स्मार्ट टेलीकॉम में जा सकते हैं। और इसके अलावा सर फेसबुक में तो यार सब कुछ डला ही है, तो ये ऑटो ये फेक चार्जिंग का वीडियो को इन्जॉय करो और मिलते हैं क्लास में। देखिए दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन आया है रेसिंग फेक चार्जिंग, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे। MI का सेट है तो इसमें सिर्फ चार्जर लगाने पर लोगो पर आना चाहिए, अगर चार्जिंग आपकी वर्क कर रही है। इसमें लिखा है फेक चार्जिंग, मतलब चार्जिंग दिख रही है बट स्टोर नहीं हो रही है। आप देखिए तो ये हमारा चार्जिंग ले रहा है, मतलब हमारा DC to DC बिल्कुल सही है। रीज़न क्यों है, क्योंकि स्टोर ये अभी वाइब्रेट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो इसका मतलब ये है। बट ये अब हम इसको बैटरी लगा के इसको ऑन करेंगे। अच्छा मैं आपको एम्पियर दिखाता बट ये मैं क्लास में बताऊँगा। हम यहाँ पर देखिए बस कैसे कर रहे हैं हम, ये देखिए जैसे ही मैं ये लगाता हूँ यहाँ पर, अब देखिए ये मैंने लगा दिया है, मुझे यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है, आप देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई है तो मुझे चार्जिंग का सिंबल नहीं आया है। देखिए वाइट लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। मैं बैटरी मेरी अगर बूस्ट भी नहीं हो तो एटलीस्ट बहुत थोड़ा सा मेरे को दिखाना तो चाहिए, बट मुझे कुछ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से, जैसे ही मैं बैटरी लगा देता हूँ उसके एम्पियर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। और एक बार मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, चलिए, और एक बार मैं बैटरी बूस्ट करके भी देख लूँगा। फेक चार्जिंग है तो हम बैटरी को एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2.91 बैटरी है इसकी, और मैं वोल्टेज का आउटपुट एक बार देख लेता हूँ। वोल्टेज का आउटपुट इसका फ्लक्चुएट हो रहा है, जो मुझे कनेक्टर तक नहीं मिल रहा है, यहाँ तक मुझे आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। 3.6 आ रहा है कनेक्टर तक, मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला। चलिए इसको बनाते हैं।
फिर से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों हमने आईफोन स्टार्ट किया है, आईफोन ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं दूंगा आपको आईफोन की ट्रेनिंग और जो रहेगी बेसिक्स टू